98.2 UMD Radio. अस्सलाम वालेकुम, UMT कैंपस रेडियो 98.2 के साथ मैं हूं डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राज सेहत। और आज का मौजू है वर्ल्ड निमोनिया डे। तो जी, आज का हमारा मौजू है वर्ल्ड निमोनिया डे और हम बात करने जा रहे हैं कि निमोनिया है क्या और ये क्यों हर साल मनाया जाता है। और इस बार का भी जो मोटो है वो है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। तो हम सब जो है वो इस चीज के लिए खड़े हैं और सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी और साथ साथ बाकी और भी हेल्थ स्टाफ उनकी ये मदद और मेहनत जारी है कि वो लोगों तक इसकी एक्सेस जो है प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से निमोनिया के लिए आपने फाइट करना है और किस तरह से इसको रोकना है। सबसे पहले ये कैंपेन जो शुरू की गई थी, जो इनिशिएटिव था स्टॉप निमोनिया का, ये इनिशिएटिव 2009 में शुरू किया गया था और ये इसलिए किया था कि ताकि लोगों तक एडवोकेसी और अवेयरनेस जाए एक ग्लोबल लेवल पे कि किस तरह से निमोनिया को इरेडिकेट करें, ख़त्म करें। और आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि 100 से जायद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया कि अट्रैक्ट हुए वो कि वो ये चीज़ को फर्दर जो है वो इसके साथ हमारे हैंड्स ज्वाइन करें और एक ग्लोबल कोएलिएशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया पे एक पूरा अपना काम करें। तो जी बिल्कुल, उस लिहाज से कि उन्होंने जब चिल्ड्रन के लिए निमोनिया का भी सोचा कि किस तरह इरेडिकेशन होनी चाहिए और ग्लोबली किस तरह इरेडिकेट हो, और फिर 12 नवंबर 2009 को इसका जो है वो एक तरह से मनाने का दिन सोचा गया, डिसाइड किया गया। तो जी निमोनिया जो है उसके अगर हम कॉज की बात करें कि किस तरह से ये होता है और क्या इसकी वजूहत है, सबसे पहला कॉज जो है वो इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है वो है बच्चों के अंदर। दूसरा जो इसका कॉज माना जाता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है वो बैक्टीरिया होता है, उसका कहा जाता है कि उसकी वजह से भी हो सकता है। और थर्ड इसके जो कॉमन कॉज पाया जाता है वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी जो सिनिस्टिकल वायरसेस होते हैं वो भी इसका कॉज हो सकते हैं निमोनिया करवाने का। तो हमें बहुत मेक श्योर करना है कि हम इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज करें और दूर रहें, और इनका जो है कहना चाहिए कि लंग्स के अंदर डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्शन ना हो इन बैक्टीरियाज का या वायरसेस का एक ह्यूमन बॉडी के साथ। अब हम बात करेंगे कोई ऐसी बातों की जो निमोनिया से बिल्कुल मुंसलिक हैं और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप निमोनिया को अवॉइड भी कर सकते हैं और आसपास देखते भी हैं, और कुछ मैं कहूंगी अमेजिंग फैक्ट्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले एक बहुत अच्छी इसकी बात बताई गई है कि अगर जो भी पेशेंट या कोई भी मरीज अगर अपना फ्लू शॉट एवरी ईयर लगवाता हो, जो कि सीजन हम वैसे भी लगवाते हैं, तो इन्फ्लुएंजा को बचाने के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म में निमोनिया को भी सेव कर सकते हो अपने आप को उससे। तो ये इन्फ्लुएंजा के शॉट्स बहुत रिकमेंडेड है। और निमोनिया कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। तीसरे इसका एक फैक्ट ये भी है कि ये जो है 30 से ज्यादा भी जो है वो अपने कॉजेस दिखा सकता है। इससे ये नहीं जरूरी कि वो एक कॉज या दो कॉज की वजह से होगा, 30 से ज्यादा कॉज भी हो सकते हैं इसके, और ये डेडली भी हो सकता है, डेथ भी करवा सकता है। अक्सर बच्चों में देखा गया इसकी वजह से डेथ्स भी होती है। और अच्छी हैबिट्स, अच्छा फूड, अच्छी डाइट से आप निमोनिया को जो है वो फाइट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि जी निमोनिया जो है वो कितने अरसे तक एक ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है और कितना ज्यादा जो है वो डैमेजिंग होता है, तो कहते तो यही है कि 2 to 3 weeks लगते हैं टू यू नो गेटिंग बेटर, लेकिन 4 weeks जब हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके सीने का दर्द और जो भी म्यूकस प्रोडक्शन की कंप्लेन होती है पेशेंट की, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होती है और सब्सटेंशियली मैं कहूँगी कि रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद 6 हफ्ते बाद जो उसको खांसी या सांस लेने में तकलीफ होती थी वो भी चीज़ें अब ख़त्म हो रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिर 6 हफ्ते के बाद अब मैं कहूँगी कि जब 3 महीने हो जाते हैं उस बीमार शख्स को जो कि अब हीलिंग प्रोसेस में है, तो ये भी देखा गया है कि काफ़ी हद तक उसके सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं 3 महीनों के बाद, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत उसे थकावट वगैरह रहती है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा जाता है कि 6 महीने बाद कुछ लोगों को रह सकता है, लेकिन कुछ लोगों को 6 महीने के अंदर कम्प्लीटली नॉर्मल होने में जो है वो पॉसिबिलिटी देखी गई है। तो आप देख लें 4 वीक्स से 6 मंथ्स तक भी ये डैमेजिंग हो सकता है या इससे पहले भी रिलीफ हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी।
अक्सर सवाल हमसे पूछते हैं पेशेंट्स कि कौन सबसे ज्यादा जो है वो रिस्क पे है निमोनिया के, तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, लो है, या वो बहुत बीमार रहते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा 65 इयर्स 65 साल या उससे जायद है, या बहुत ज्यादा बच्चे जो है छोटे हैं, यंग हैं, यानी कि अगर मैं देखूं तो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे, तो उनमें बहुत ज्यादा निमोनिया पाया गया है। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को बलगम और बच्चों को खांसी, नज़ला जुकाम ज्यादा टाइम तक नहीं रहनी चाहिए, उसको फौरी जो है डील कर लेना चाहिए विद दी प्रॉपर रेमेडीज और दी मेडिकेशंस। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस के साथ, जिसमें दमा वगैरह या फिर कहना चाहिए डायबिटीज, हार्ट डिजीज के साथ आते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है सिगरेट पीते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है एस्थमेटिक पेशेंट्स में कि ये सब कुछ उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है निमोनिया होने का चांस। दवाइयाँ इसके लिए पर्टिकुलरली क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि पेशेंट्स जो हैं जो बड़े हैं, एडल्ट पेशेंट्स हैं, उनको हम एंटीबायोटिक जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन पे रखते हैं। मैं ये मेडिकेशंस बता ये रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दें, अपने फिजिशियन से आप जो है रुजू करें। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए कि बेस्ट आपके लिए यही जो चीज़ें होती हैं जो आप किसी भी एक एक्सपर्ट के ओपिनियन के बाद ही लें। बच्चों के अंदर हम बताते हैं कि उनको एमोक्सिलिन वगैरह से फ़र्क पड़ जाता है बैक्टीरियल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। और कुछ सिम्टम्स जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंजा से मिलती है, जिसमें बुखार होता है, ड्राई कफ होती है बहुत, और सर का दर्द होता है, या पट्ठों में दर्द होता है, या कमजोरी होती है, ये तमाम सिम्टम्स बड़ी जो है बहुत कॉमन होती है सबसे पहले दिनों में, अर्ली सिम्टम्स निमोनिया की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन जब हो जाते हैं तो सिम्टम्स थोड़ी सी वर्स होती है कि खांसी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, या सांस लेने में तकलीफ होती है, पट्ठों में तकलीफ होती है, और बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर देखा गया है कि जो होंठ होते हैं वो ब्लू पड़ जाते हैं पेशेंट्स के, तो ये कॉमनली हमने देखा है कि लोगों की साइंस होती हैं साथ साथ निमोनिया के पेशेंट्स में। निमोनिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली चीज़ की सिम्टम्स मैंने आपको बताई, लेकिन जो अगर मैं रेडियोग्राफिकली बात करूँ, एक्सरे जो हमारा बहुत रिकमेंडेड है वो है चेस्ट एक्सरे, हम सबसे ज़्यादा पेशेंट को वो करने के लिए देते हैं, और साथ साथ CBC टेस्ट करवाते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी चेक कर लें कि उनके सारे ब्लड काउंट्स और डिफेंस CBC के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं वो सब बीते रहे कि नहीं। फिर हम साथ साथ पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल्स को भी चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, ताकि ये चेक कर लें, इंश्योर कर लें कि ऑक्सीजन सब कुछ लेवल्स ठीक है कि नहीं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स को जो है जाए, ताकि जो है वो पेशेंट्स जो है इन तमाम चीज़ों से जो है महफूज रहे, चाहे वो एक इन्फ्लुएंजा हो या निमोनिया हो लार्जर लेवल पे। बट निमोनिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल इफ नॉट ट्रीटेड टाइमली। लास्टली जो कि मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है कि आप घर के अंदर कौन से ऐसे खाने, कौन से ऐसी जो है गिज़ा खा सकते हैं जो निमोनिया से आपको बचा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच जो डाइट्स होती हैं, जिसमें आपके पास मीट्स भी आ जाते हैं, दालें भी आ जाती हैं, उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपको निमोनिया से बचा सकता है। और इसमें आपके पास नट्स वगैरह भी आ जाएंगे, और बहुत सारे जो बीज होते हैं या बीन्स होते हैं, हम ज़्यादातर कहते हैं कि जो रेड बीन्स तो वैसे ही फाइबर से भरपूर है, प्रोटीन्स है उसमें, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, वो वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, इवन आपके तमाम हेल्थ के लिए भी अच्छा है। वाइट मीट हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि जितना भी वाइट मीट लें वो बेहतर होता है, और खुसूसन तौर पर ये कहा जाता है कि जो मच्छियाँ सैल्मोन्स वगैरह जो होती हैं, जो ठंडे पानी की होती हैं, उनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो, यानी कि सूजन वगैरह जो है वो, उससे बचाव करता है वो आपका, तो वो ज़्यादा ज़्यादा लेनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर। तो ये मछली और वाइट मीट और ये जो बीन्स हैं या नट्स हैं, इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से आपने अपनी ग़िज़ा में करना है। बहुत शुक्रिया UMT कैंपस रेडियो 98.2 का कि जिन्होंने मुझे आज इस ज़बरदस्त सेगमेंट में जो इनवाइट किया, एंड आई थिंक इन दिस वे वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट अ लार्जर मास। थैंक यू सो मच। Radio.
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी निजी यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पर फाइज कर दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को निजी और सरकारी इदारों में दूसरे नंबर पर फाइज किया गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अब दुनिया की 600 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है। ये सब आप लोगों का, हमारी UMT फैमिली की अनथक जद्दोजहद का नतीजा है और अल्लाह से ये दुआ है कि हम इसी तरह मजीद बुलंदियों को सर करते रहे। तो मेरी तरफ से और तमाम UMT FM 98.2 के स्टाफ की तरफ से आपको ये कामयाबी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। UMT Radio 98.2